मंत्रिपरिषद की मीटिंग के बाद तो उसमें तय ये किया कि फिलहाल राष्ट्रपति जी को ये सिफारिश की जाए कि मॉनसून सेशन को प्रोग किया जाए। हम लोग प्रयास करते रहेंगे, सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और लगभग कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इसके पक्ष में हैं। लोकसभा में भी उन सब ने इस कानून के पक्ष में ही वोट दिया था, पॉजिटिव वोट दिया था। कांग्रेस वॉकआउट की थी, उन्होंने वॉकआउट को ज्वाइन नहीं किया था और इसलिए हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसने आज ये निर्णय किया कि राष्ट्रपति जी को परोक्ष करने की सिफारिश की जाए। उधमपुर से लेकर रामबन तक और रामबन से बनिहाल तक जो सेगमेंट्स हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे के, इसकी फोर लेनिंग का जो प्रपोजल था, जो रुका हुआ था, उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज मंजूरी दी है। और कश्मीर घाटी को की एक्सेस जम्मू से बढ़े, उससे इसमें काफी लाभ मिलेगा। जो रामबन बनिहाल है, जो सेकंड लेग है, वो 2168 करोड़ का है और जो उधमपुर से रामबन है वो 2136 करोड़। ये दोनों प्रपोजल दिए गए।